तो मध्य प्रदेश के लिए सीएनएक्स का एग्जिट पोल सामने आ गया है और इस एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार मध्य प्रदेश में कमलनाथ नहीं बल्कि कमल की आंधी चलती हुई नजर आ रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है मध्य प्रदेश के अंदर। आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। तो सीएनएक्स के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 140 से 159 सीटें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीतने वाली है, जबकि कांग्रेस 70 से 89 सीटें मध्य प्रदेश के अंदर जीत सकती है। इसके अलावा मैक्स टू मैक्स 2 सीटें अदर्स के खाते में जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक 140 से 159 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं इस एग्जिट पोल के मुताबिक। इसके अलावा 70 से 89 सीटें कांग्रेस के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि कांटे की टक्कर तो नहीं कही जा सकती है, कांग्रेस एक कदम पीछे इस एग्जिट पोल के मुताबिक दिख रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी साफ तौर से क्लीन स्वीप कर रही है। 116 का बहुमत का आंकड़ा है जिससे बहुत ज्यादा आगे भगवा दल नजर आ रहा है। 140 से 159 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस 70 से 89 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 2 सीटें मैक्स टू मैक्स अदर के खाते में जा सकती है, यानी कि बहुत बड़ी राहत की खबर मध्य प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से इस सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।